परिचय। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आमतौर पर हम रोजाना अपने चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जिनमें से कुछ तो चल पाती हैं और कुछ नहीं चल पाती। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? आइए इसके पीछे मौजूद कारण जानें। आओ सीखें। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की पहचान करना, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं बताना और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर बताना। सजीव वस्तुएं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी अपने चारों तरफ दो तरह की वस्तुओं से घिरे हैं, सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। सभी जानवर और पेड़ पौधे जिंदा वस्तुओं के उदाहरण हैं। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। क्या आपको पता है कि हम सजीव वस्तुओं की पहचान किस तरह कर सकते हैं? देखिए, सभी सजीव वस्तुएं हिलती डुलती हैं। इसका मतलब है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। सभी सजीव वस्तुओं में विकास नजर आता है। वे जिंदा रहने तथा अपने विकास के लिए भोजन लेती हैं। इन गुणों के अलावा वे सांस भी लेती हैं। वे महसूस कर सकती हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रति संवेदनशील होती हैं। उनमें अपनी संतान उत्पन्न करने की भी योग्यता होती है, जिसे प्रजनन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुएं। दोस्तों, अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं। इनमें सजीव वस्तुओं वाले गुण नहीं होते। यहां निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता की बाइक भी निर्जीव चीज है। ये तभी चल सकती है जब इसमें पेट्रोल होता है। सजीव वस्तुओं के विपरीत निर्जीव वस्तुओं का ना तो विकास होता है और ना ही वे प्रजनन करती हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर। यहां सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने वाला एक चार्ट मौजूद है। हमने क्या चर्चा की? हम सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं से घिरे रहते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में गतिविधि और विकास दिखता है। सभी सजीव वस्तुएं अपनी वृद्धि और ऊर्जा के लिए भोजन लेती हैं। सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। वे अपने आसपास के माहौल में बदलाव महसूस करती हैं। उनमें अपनी ही जैसी संतानें पैदा करने की योग्यता होती है।